हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 2, एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है ना? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में जान लिया था, समझ लिया था। उम्मीद है लेक्चर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा और उसको समझ लिया होगा। तो आओ देखें क्या है ये एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट से समझने से पहले हमें कुछ चीजें समझनी होंगी कि आखिरकार एंटी, देखो वर्ड है एंटी, एंटी मतलब किसी का अपोजिट। तो किसका अपोजिट? तो जाहिर सी बात है ऑक्सीडेंट का अपोजिट। किसका अपोजिट? ऑक्सीडेंट का। अब ये ऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं पहले इसको समझना पड़ेगा, और क्यों हमें ऑक्सीडेंट का विरोध करने वाली चीजें चाहिए, क्यों हम चाहते हैं कि ऑक्सीडेंट ना हो। बात समझ में आ रही है? तो पहला मुद्दा ये, ऑक्सीडेंट क्या होते हैं। ऑक्सीडेंट बच्चों वर्ड जो है आया हुआ है किससे? ऑक्सीडेशन से। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन पढ़ा होगा, ठीक है ना? तो उसमें हमको सीधी सी एक बात पता है, एडिशन ऑफ, बहुत बेसिक लैंग्वेज पढ़ी होगी, ऑक्सीजन। जब किसी चीज में ऑक्सीजन ऐड हो जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। केमिस्ट्री में इस बात को तुम लोगों ने पढ़ा होगा, है ना? क्या रिडॉक्स रिएक्शन, अपचैन उपचैन टाइप, इस टाइप से, है ना, प्रोसेस जो होती है। ओके, तो ऑक्सीडेशन यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी चीज में ऑक्सीजन जुड़ जा रही है तो दिक्कत क्या है? दिक्कत है, ठीक है। ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल रिएक्शन दैट कैन प्रोड्यूस फ्री रेडिकल। अब हमारी बॉडी में क्या होता है, जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो वो एक फ्री रेडिकल क्रिएट करते हैं। फ्री रेडिकल दो टाइप के होते हैं हमारी बॉडी में, ROS और RNS। ROS क्या होता है? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, और ये होती है रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीसीज। दो टाइप की स्पीसीज होती है, एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन वाली। अब क्या थोड़ा डिटेल में लेंगे हम इसको, अभी आगे जाकर के समझते थोड़ा सा। विच डैमेज द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब दिक्कत क्या होगी यहां पर, जब ऑक्सीडेशन होता है वो क्या पैदा कर रहा है? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल बच्चों अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी जिसमें रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़े होंगे, तो उसमें एक स्पीसीज कई बार पड़ी होगी Cl डॉट, याद आ रहा कुछ, इसमें एक डॉट रहता है ना भाई, या तो वो सीएल माइनस, ये आयन हो गया, ये आयन हो गया, ये क्या हो गया? आयन हो गया। और ये क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। इसके पास एक क्या है? इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा। बस वही फ्री रेडिकल जब ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के ऊपर होते हैं और हमारी सेल के अंदर मौजूद होते हैं जब ऐसी कोई चीज, तो वो घातक होती है सेल के लिए। सेल हमारे डैमेज होने की संभावना बढ़ जाती है, या यूं कह लें कि डैमेज जल्दी होते हैं। अब क्या बोल रहा है ये, ROS रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज एंड नाइट्रोजन स्पीसीज। तो थोड़े से यहां कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। देखो फ्री रेडिकल बारे में बता रहा है, ईच मॉलिक्यूल और इट्स फ्रैगमेंट, कोई मॉलिक्यूल या उसका कोई पार्ट विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो अलग थलग सा रहेगा, किसी के साथ की जरूरत नहीं है, एंड कंटेन वन और टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये चीज अगर उसके पास एक या दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और वो अलग है तो वो क्या कहलाता है? फ्री रेडिकल कहलाता है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, स्पीसीज विच कंटेन वन और मोर ऑक्सीजन एटम एंड आर मच मोर रिएक्टिव देन द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। एक या एक से ज्यादा उसके पास ऑक्सीजन एटम मौजूद होते हैं और वो ऑक्सीजन से भी ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। जब रिएक्टिव हो जाते हैं ये, तो सेल्स के अंदर बड़ी तेजी से रिएक्शन करते हैं और सेल को डैमेज करते हैं। अच्छा, रिएक्शन किससे करेंगे? कोई नॉर्मल स्ट्रक्चर है भाई, बने किसके हुए हैं? अंदर जितना भी सेल के अंदर स्ट्रक्चर है सब केमिकल का ही तो है, किसी केमिकल से रिएक्ट कर जाएंगे उसका स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। तो आओ देखे जा रहे हैं यहां पर क्या बोल रहे हैं। ROS एंड RNS सुपर ऑक्साइड रेडिकल, ओ ये इसका डॉटेड स्ट्रक्चर है जिसको तुम लोगों ने पढ़ा होगा, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है ना? ना याद रहे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से है। हाइड्रोपरऑक्साइड रेडिकल, ठीक है, हाइड्रोक्सिल रेडिकल, नाइट्रिक ऑक्साइड, एनोडॉट, ठीक है, और ये क्या हो गया? हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसको हर कोई जानता है, H2O2, ठीक है ना, OH डॉट, H2O डॉट, और ये क्या आ गया? O2 माइनस। क्लियर है बात? तो इस टाइप से मेरे पास क्या आ गए, ये फ्री रेडिकल आ गए हैं। बात समझ में आ रही है? अब अगर हम इसको टाइप्स की बात करें, किसकी बात कर लें, या तो ऐसे समझ लें इसको, या हम इसको समझें टाइप्स। टाइप्स की बात करें तो फ्री रेडिकल और सिंबल, जैसे कि यहां पे मैंने समझाया सुपर ऑक्साइड है, ये डॉट के हिसाब से दिखाया मैंने, ये डायरेक्ट स्ट्रक्चर याद रख सकते हो तुम लोग। यहां पर क्या है, ये सुपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोक्सिल OH रेडिकल, सिंगलेट ऑक्सीजन, सिंगलेट ऑक्सीजन का ये रिप्रेजेंटेशन है, सिंगल ऑक्सीजन होगा A, यानी कि मैं कहूंगा सिंगल ऑक्सीजन, इस टाइप से एक सिंगल ऑक्सीजन होता है।
हाइड्रोपरऑक्साइल रेडिकल, परऑक्सी रेडिकल सॉरी, लिपिड परऑक्साइड रेडिकल, नाइट्रिक ऑक्साइड रेडिकल और परऑक्सी नाइट्राइट। तो ये क्या है, मेरे पास कुछ खास रेडिकल्स हैं जो सेल्स में बनते हैं कई बार, और ये कब और कैसे बनते हैं वो अगर हर किसी के रिएक्शंस यहां लिखने लगे तो ये टॉपिक बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो वो अगर आप अपनी नॉलेज के लिए करना चाहते हैं तो देख सकते हैं, नेट पे इनके रिएक्शंस भी मिल जाएंगी कि कौन सा सेल में किस पार्ट में कहां से क्या मेटाबॉलिक, कई बार दो दो तीन तीन स्टेप की भी रिएक्शंस हैं, उसकी हमें यहां जरूरत नहीं है। हमें पता होना चाहिए फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, ठीक है, सिंपल, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं तो बेसिक बात पता होनी चाहिए हमें यहां पर। अब हमको एक चीज पता चल गई कि सेल के अंदर ये सारी चीजें क्या है, फ्री रेडिकल है, और ये जो फ्री रेडिकल्स हैं इनको ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेंट। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेंट। इनको हमें रोकना है तो क्या चाहिए होगा, एंटीऑक्सीडेंट। अब क्यों रोकना है इनको वो भी देख लें भाई, आखिरकार ये बन गए सेल में तो क्यों रोकना है, तो इसीलिए रोकना है। देखो बच्चों, डायग्राम से समझाने की कोशिश की है, जो ऑक्सीडेंट होते हैं ना, क्या होते हैं, ऑक्सीडेंट या इफेक्ट ऑफ फ्री रेडिकल, कुछ ऐसा होता है। इमेजिन करो टमाटर एक सेल की तरह, ठीक है, इसके ऊपर इसके अंदर क्या बढ़ रहे हैं, फ्री रेडिकल बढ़ रहे हैं, कुछ ऐसा हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, फाइनली टमाटर क्या हो गया, डैमेज हो गया। सेम एक नॉर्मल सेल है उसका न्यूक्लियस, सेल्स अटैक बाय फ्री रेडिकल, बहुत सारे फ्री रेडिकल आ गए, फाइनली सेल विद ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, यानी कि इतना फ्री रेडिकल आ गया, ये स्ट्रेस में आ गया, फाइनली क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाता है, सेल डैमेज हो जाएगा। सेल जितनी जल्दी डैमेज होंगे, अच्छे सेल डैमेज होंगे, ऑर्गन डैमेज होगा, ऑर्गन डैमेज आएगा तो क्या होगा, कई सारी चीजें या कई सारी बीमारियां पैदा होती हैं। कौन कौन सी बीमारियां होती हैं या किन किन बीमारियों को हम लोग इसे क्योर कर सकते हैं समझेंगे अभी आगे। सेल डैमेज होंगे बॉडी के तो ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, ऑर्गन डैमेज होंगे तो कुछ ना कुछ बीमारी पैदा हो सकती है। तो फ्री रेडिकल को समझने का सबसे बेस्ट तरीका है, अच्छे खासे सेल को बर्बाद कर देता है ये सारे रेडिकल। कैसे करते हैं मैं फिर बता रहा हूं, छोटी सी बात, सेल मेम्ब्रेन हो, अंदर कोई साइटोप्लाज्म में, हर जगह क्या है, केमिकल्स हैं। ये फ्री रेडिकल इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं उन केमिकल के साथ मिल करके उनको खराब कर देते हैं, तो फिर क्या होता है, डैमेज स्टार्ट हो जाता है। बात समझ में आई, ऑक्सीडेंट इफेक्ट क्लियर है। आओ नेक्स्ट हमारे पास, जैसे कि अब जो ऑक्सीडेंट इफेक्ट थे उसको हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा लिख दिया मैंने यहां पर, क्या लिख दिया है? आओ समझे, ऑक्सीडेटिव डैमेज टू लिपिड्स। लिपिड्स याद है, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ी रहे होगे, सेल पढ़ा होगा, सेल के ऊपर की जो मेम्ब्रेन होती है कैसी होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, है ना, दो लेयर की बनी हुई होती है इस टाइप से, अगर थोड़ा सा स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ रखा होगा तो इस टाइप से। और किसने दिया था ये स्ट्रक्चर, सिंगर और निकोलसन ने, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, याद आ गया, गुड। तो जो सेल की जो मेम्ब्रेन होती है ये किसकी बनी हुई है, लिपिड्स की बनी हुई है, किसकी बनी हुई है, लिपिड्स। लिपिड्स है तो केमिकली, अगर फ्री रेडिकल इन लिपिड से जाके मिलेगा तो ये स्ट्रक्चर क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगी, सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी तो अंदर का, मान लो पूरे सेल इस टाइप से था, अंदर का सारा कंटेंट बाहर निकलेगा और सेल मेरा बर्बाद हो जाएगा। लिपिड पर ऑक्सीडेशन, लिपिड के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, लिपिड पर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेटिव डैमेज टू प्रोटीन, प्रोटीन को भी क्या कर रहा है, ये डैमेज करता है, कैसे, फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामोलिकुलर डाइसल्फाइड बॉन्ड। जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर याद है, नहीं याद है तो इंट्रामोलिकुलर, अगर नहीं याद है तो थोड़ा सा समझा देता हूं मैं। प्रोटीन का अगर तुम लोगों ने प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर याद होगा तो ये इसका स्टेप सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, फिर स्टेप से प्रोटीन होती है, ये याद आया, टर्शरी स्ट्रक्चर है ये। तो होता क्या है, जैसे मान लो ये टर्शरी स्ट्रक्चर है तो इंट्रामोलिकुलर, होता क्या है कि जो डाइसल्फाइड लिंकेज होते हैं, मान लो यहां पर डाइसल्फाइड लिंकेज बन जाएगी, यहां पर डाइसल्फाइड लिंकेज, ये आपस में जोड़ करके ना डाइसल्फाइड, आपस में डाइसल्फाइड लिंकेज जोड़ लेगा और इस प्रोटीन को काम करने से क्या करेगा, फिर रोक देगा। तो इंट्रामोलिक्यूलर, उसी के बीच में, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन क्रॉस लिंक, प्रोटीन क्रॉस लिंक बनाते बाय इंटरमोलिकुलर डाइसल्फाइड। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक दूसरी प्रोटीन होती भाई, इसको अलग काम करना है, इसको अलग काम करना है, लेकिन हुआ क्या, इनके बीच में क्या बन गया, डाइसल्फाइड लिंकेज बना, अब जोड़ दिया इसने, अब ये दो प्रोटीन जोड़कर एक साथ लेके सामने आ गया, अब इसको अलग काम नहीं करने दे रहा, इसको अलग काम करने नहीं दे रहा है इस लिंकेज की वजह से। ये लिंकेज बनाई किसने, ऑक्सीडेंट ने बना दी, हम नहीं चाहते ये लिंकेज बने,
मोटा मोटा बात समझ में आ रही होगी, इस तरीके से हमारी प्रोटीन काम करना बंद कर देती है, डैमेज हो जाती है, सीधी सी बात है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन क्रॉसलिंक बाय डाई टायरोसिन। डाई टायरोसिन यानी कि हम यहां पर ऐसा जो डाइसल्फाइड है वैसे यहां पर क्या लिख सकते हैं, टायरोसिन और टायरोसिन। टायरोसिन पता है ना क्या होता है? नहीं पता, कोई बात नहीं, केमिकल है। ठीक है, या नाइट्रोसाइलेशन, नाइट्रो ग्रुप आगे जुड़ जाएगा, ऑफ थायोल एंड अदर प्रोटीन ग्रुप। तो सीधी सी बात है, मेरे पास तीन तरीके हो गए, दो तो पक्का याद रखना। इंट्रामोलिकुलर डाइसल्फाइड बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर डायग्राम और सिंपल कर लें तो ऐसा कर लेते हैं, ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल और डाइसल्फाइड, देन इंटरमोलिकुलर, दो प्रोटीन और इसके बीच में डाइसल्फाइड। इस टाइप से सिंपल डायग्राम बना सकते हैं, समझना ही तो है, केवल प्रोटीन घुसना नहीं है एकदम जाके स्ट्रक्चर में, ठीक है ना। प्रोटीन जब प्रोटीन से जुड़ गया तो प्रोटीन को निष्क्रिय कर दे रही है, बर्बाद कर दे रही है। ठीक है, फिर यार टायरोसिन ग्रुप आ गई, टायरोसिन वाला भी सेम काम करता है, तो इस तरीके से ये प्रोटीन बर्बाद कर रहा है। ऑक्सीडेटिव डैमेज टू डीएनए, अब डीएनए को डैमेज कर देगा तो जाहिर सी बात है डीएनए ही क्या है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है और पूरे सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है। डीएनए डैमेज तो सब डैमेज, डीएनए डैमेज हो जाएगा तो डीएनए के ऊपर क्या बनता है, आरएनए, और आरएनए अपने ऊपर क्या बनाता है, प्रोटीन। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन डाइमर, यानी कि प्रोटीन डैमेज हो जाएंगी, प्रोटीन के डायमर बनना स्टार्ट हो जाएंगे, प्रोटीन फिर डैमेज हो जाएगी। मॉडिफिकेशन ऑफ प्यूरिंस, डीएनए किसका बना होता है, प्यूरिंस पाइरिमिडिन्स का। अब ये बड़ा बेसिक सी चीजें हैं, जिसको नॉलेज है डीएनए की वो इसको कर ले जाएगा, ठीक है ना, बहुत इजी है। डीएनए का म्यूटेशन, इसमें ATCG है ना डीएनए में, इस याद है, इस तरह से ATCG, ए के अपोजिट में टी के, ए सी के जी, ये होता ना, ये याद आ रहा होगा। तो डीएनए म्यूटेशन, ये इसमें से यहां किसी एक को गड़बड़ कर देगा तो डीएनए म्यूटेशन हो जाएगा। सीधी सी बात है, डीएनए को डैमेज किया जा रहा है, डीएनए डैमेज होगा तो प्रोटीन जो हमारे बनेगी वो डैमेज प्रोटीन बनेगी, सीधी सा कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। ग्लूकोज एंड सेल ऑक्सीडेटिव इंजरी, ग्लूकोज को बर्बाद करेगा, सेल को इंजर्ड करेगा। तो ये बातें हैं सारी जो हम लोगों ने पीछे इस डायग्राम से समझा था कि सेल किस तरह डैमेज होते हैं, तो हमने उसको यहां थोड़ा सा लिख के समझ लिया कि ये लिखना, क्योंकि एग्जाम में लिखना जरूरी है, टमाटर तो बनाओगे नहीं, टमाटर समझने के लिए। अब सेल इंजरी मेडिएटेड बाय ROS एंड RNS, आखिरकार सेल की इंजरी कैसे होती है, कुछ ना याद करना, कुछ ना याद करना, ये टेबल याद कर लेना, छाप के चले आना, ठीक है ना, किस तरीके से सेल को डैमेज करते हैं, कौन, ऑक्सीडेंट, कौन होते हैं ऑक्सीडेंट, फ्री रेडिकल। क्लियर हो गया, तो आओ देखें लिपिड प्रोटीन डीएनए ROS RNS किस तरह से ये इनको बर्बाद कर रहे हैं। अब देखो लिपिड का क्या होगा, परऑक्सीडेशन, लिपिड का परऑक्सीडेशन हुआ, मेम्ब्रेन डैमेज होगी सेल की, ठीक है ना, लॉस ऑफ मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, मेम्ब्रेन अगर डैमेज हो गई सेल की तो उससे क्या होगा, ठीक है, डैमेज टू कैल्शियम एंड अदर आयन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कैल्शियम का और दूसरे जो आयन सेल के अंदर बाहर मूव करते हैं उनका ट्रांसपोर्ट गड़बड़ा जाएगा। इनएबिलिटी टू मेंटेन नॉर्मल आयन ग्रेडियंट, इस तरफ कितने आयन होने चाहिए तो सोडियम के पोटेशियम के, इस तरफ कितने होने चाहिए वो सब बिगड़ जाएगा। एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन ऑफ वेरियस एंजाइम, कई सारे एंजाइम कुछ एक्टिवेट हो जाएंगे कुछ डीएक्टिवेट हो जाएंगे, अल्टीमेटली सेल इंजर्ड हो जाएगा, ठीक है, यहां से देख लें। मॉडिफिकेशन प्रोटीन जब गड़बड़ होगी तो अमीनो एसिड गड़बड़ हो जाएगा, मॉडिफाई हो गया अमीनो एसिड, प्रोटीन किसके बनी होती है, बार बार अमीनो एसिड के जुड़ने से, है ना, मोनोमर है प्रोटीन का, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन टूटेंगे एंड एग्रीगेशन या जुड़ जाएंगे, जब ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, डबल एरो बना हुआ है, इसकी वजह से ये होगा, इसकी वजह से ये, इसकी वजह से ये, इसकी वजह से ये हो जाएगा। अब डीएनए की बात कर लें, डीएनए डैमेज होगा तो सीधा सेल डैमेज, या अल्टर्ड जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन यानी कि जो प्रोटीन बना रहा हो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना, जीन एक्सप्रेशन अगर गड़बड़ होगा तो दो चीजें हो जाएंगी, अमीनो एसिड गड़बड़ कर जाएगा, प्रोटीन गड़बड़ कर जाएगा, या फिर डिप्लीशन ऑफ ATP, ATP जो बनती है एनर्जी सोर्स वो गायब होना स्टार्ट हो जाएगा, ये गड़बड़ करेगा तो ये गड़बड़ करेगा, ये गड़बड़ करेगा तो ये गड़बड़ करेगा, डबल एरो बना हुआ है, ठीक है, अल्टीमेटली सेल की इंजरी हो रही है। तो तीन चीजें लिपिड प्रोटीन डीएनए जो मेन सेल के अंदर पाए जाते हैं, ये ऑक्सीडेंट इनको क्या कर देते हैं, बर्बाद करते हैं, ठीक है, इनके बर्बाद करने से सेल बर्बाद, ठीक है, सेल बर्बाद तो ऑर्गन बर्बाद, ऑर्गन बर्बाद तो इंसान फिर बर्बाद होना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ ना कुछ बीमारी लगना स्टार्ट हो जाएंगी। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, ये चार्ट पक्के से याद कर लेना, बड़ा अच्छा चार्ट है ये। आगे आते हैं,
अब ऑक्सीडेंट की सारी कहानी होगी, ऑक्सीडेंट ने हरकत दे दी अपनी सारी, मार लिया, मर जाओ सेल। एंटीऑक्सीडेंट आया, उसने कहा कि मैं सेल को मरने नहीं दूंगा, मैं एंटीऑक्सीडेंट हूं, ऑक्सीडेंट को ही खत्म करूंगा। तो गुड, अच्छी बात है। एंटीऑक्सीडेंट आजकल बड़े पॉपुलर हैं, कुछ लोग जानते होंगे, है ना, काफी लोग खाते भी हैं एंटीऑक्सीडेंट। और जो फीमेल के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं स्किन के लिए, कि उससे क्या होता है एजिंग, मतलब जो रिंकल्स वाले साइंस होते हैं वो नहीं दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो आओ देखें एंटीऑक्सीडेंट क्या है, उनके बारे में कुछ जनरल बातें। एंटीऑक्सीडेंट आर कंपाउंड दैट इनहिबिट ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन को रोक देंगे, जो मैंने ऊपर बताया था ऑक्सीडेशन क्या होता है। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट सच एज थायोल और एस्कॉर्बिक एसिड। अब थायोल क्या होता है, जैसे OH अल्कोहल होता है, OS, इनको थायोल कहते हैं, बात समझ में आई। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी में एक्ट टू इनहिबिट दीस रिएक्शंस, इनके अंदर क्षमता है कि इनको रोक सकते हैं। अब टू बैलेंस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ये जो फाइनली फ्री रेडिकल क्रिएट हो रहे हैं इतने सारे, इसको बैलेंस करना है कि ज्यादा ना बने या बन गए तो खत्म कर दें। प्लांट और एनिमल ने मेंटेन कर रखा है कॉम्प्लेक्स सिस्टम, बट एक सिस्टम है उनके अंदर ऑलरेडी कि अगर ये बन रहे हैं कंपाउंड ज्यादा तो इनको खत्म करें किस तरीके से। ओवरलैपिंग एंटीऑक्सीडेंट सच एज ग्लूटाथायोन, ये निकालते हैं अपने अंदर से ग्लूटाथायोन, और ग्लूटाथायोन क्या करेगा, इनको खत्म करेगा। ये ऑलरेडी एक सिस्टम मौजूद है, लेकिन कितना, कब तक काम करेगा, बहुत ज्यादा बन रहा है किसी वजह से तो ये भी बेचारा काम नहीं कर पाएगा, आएंगे उसके बारे में बात करेंगे। द ओनली डाइट्री एंटीऑक्सीडेंट आर विटामिन ए सी एंड ई। डाइट्री यानी कि जो हम डाइट में एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं वो ए सी और ई है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, डाइट्री और एंटीऑक्सीडेंट जो डाइट से ली जाती है। द टर्म एंटीऑक्सीडेंट इज ऑल्सो यूज। अच्छा, ये तो बात तो चल ही रही थी हमारी केमिकल सेल वाली, कह रहा है एंटीऑक्सीडेंट हम लोग इंडस्ट्रियल केमिकल में भी ऐड करते हैं ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन इन सिंथेटिक रबर। जो सिंथेटिक रबर बनाई जाती है वो ऑक्सीडाइज होकर खराब ना हो जाए, उसमें भी हम लोग एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं। प्लास्टिक बनाते हैं उसमें भी मिलाते हैं, फ्यूल तेल के अंदर भी, प्रिजर्वेटिव इन फूड्स एंड कॉस्मेटिक, खाना जैसे जल्दी से ऑक्सीडाइज ना हो जाए, सड़ ना जाए, या कॉस्मेटिक जो हम लोग डालते हैं, ठीक है ना, लगाते हैं चेहरों पर, उनमें भी ये एंटीऑक्सीडेंट इस्तेमाल होता है। खैर, ये एक बात हो गई। अब बातें स्टार्ट होती है यहां से, क्या कह रहा है ये, द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीडेंट एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, रिडॉक्स बैलेंस है ना, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस कर रहा है, यानी कि जो चीज ऑक्सीडेंट हो गई है क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन फालतू आ गया, तो इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तो वापस से क्या करेगा, रिड्यूस होगा वो। ओके, सॉरी, ऑक्सीडाइज हो गया तो रिड्यूस होगा, उसे रिड्यूस करके सही किया जाएगा। इज इसेंशियल इन मेंटेनिंग अ हेल्दी सेलुलर माइक्रो एनवायरनमेंट। ऑक्सीडेंट और एंटीऑक्सीडेंट ये दोनों सेल के अंदर क्या है, जरूरी है। अगर ऑक्सीडेंट का बनना भी जरूरी है तो अगर ज्यादा बन गया है तो एंटीऑक्सीडेंट के द्वारा उसको कम करना भी जरूरी है। अब सवाल यह है, अगर ऑक्सीडेंट नुकसान पहुंचा रहा है तो जरूरी क्यों है, वो कुछ फायदे भी पहुंचाता है, कैसे, आओ देखें। द जनरेशन ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इज कॉज्ड बाय एन, अच्छा अभी यहां पे इसका कारण बता रहा है कि जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मतलब वही सारे केमिकल्स जो ऑक्सीडेंट होते हैं, कॉज्ड बाय एन अल्टरेशन इन बैलेंस बिटवीन। क्यों ऐसा हो जाता है, जब यह बैलेंस बिगड़ जाता है बिटवीन द ROS प्रोडक्शन एंड द एब्सेंसी ऑफ सेल एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस सिस्टम। ROS का बनना, ROS बन रहा है ज्यादा बनेगा, एंटीऑक्सीडेंट कम कर देगा, थोड़ा सा बना रहेगा फिर बनेगा फिर कम कर देगा, ये बैलेंस चलता रहता है, बढ़ेगा तो ये एंटीऑक्सीडेंट इसको कम कर देंगे। लेकिन अगर किसी वजह से ये एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा नहीं बन पा रहे सेल में, या ये तादाद में ज्यादा बन पा रहे हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे सेल का खुद का मैकेनिज्म है वो इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो ये बढ़ जाता है। ठीक है, अब सेल्स एंड टिश्यूज आर कंटिन्यूसली बीइंग एक्सपोज्ड टू फ्री रेडिकल डेराइव्ड फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म और एक्सटर्नल फैक्टर। अब लगातार जो ऑक्सीडेंट है वो आ कहां से रहे हैं, पहली चीज कहां से आ रही है, मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं वहां से लगातार फ्री रेडिकल बनते रहते हैं, ऑब्वियसली बात है रिएक्शन हो रही तो वो बनेंगे, उसके लिए सिस्टम बना हुआ है एंटीऑक्सीडेंट का, वहां तक बातें सही है। लेकिन आज की दुनिया में हो क्या रहा है, पॉल्यूशन, माइक्रोब्स, एलर्जेंस, रेडिएशंस, सिगरेट, पेस्टिसाइड, ये सब चीजें भी हम एक्स्ट्रा फेस कर रहे हैं, इन सब चीजों की वजह से भी हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फ्री रेडिकल बन जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट उतने एक्स्ट्रा नहीं बन पाते हैं, इस वजह से ROS जो रिएक्टिंग ऑक्सीजन स्पीसीज है इनका लेवल बढ़ जाता है। बात समझ में आ रही है यहां तक, ठीक। अब देखो क्या कह रहा है ये, अब कह रहा है ये, हाउएवर ROS कैन प्ले अ ड्यूअल रोल। जो ROS है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, ये डबल रोल प्ले करती है,
एक्टिंग एज बेनिफिशियल और हार्मफुल फैक्टर, ये फायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी है, तादाद से ज्यादा नुकसानदायक, लिमिट के अंदर फायदेमंद। फायदेमंद क्यों है आओ देखें। ऑन द वन हैंड, एक तरफ तो इंक्रीज इन आरओएस प्रोडक्शन जनरेट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, अगर ज्यादा बढ़ जाएगा तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करेगा और डैमेज कर देगा प्रोसेस दैट कैन ऑल्टर द सेल स्ट्रक्चर, उस प्रोसेस को डैमेज कर देता है जिससे कि सेल स्ट्रक्चर हमारे बनते हैं या मेंटेन होते हैं, एंड इन्फ्लुएंस द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स रिलेटेड टू एक्सीलरेटेड सेल एजिंग, और जीन्स को अफेक्ट करेगा जिसकी वजह से सेल की एजिंग, सेल को जल्दी बुढ़ापा आएगा और सेल की डेथ आएगी। एक कहानी तो ये हो गई। Nevertheless, तो भी इसके बावजूद ROS derived from the mitochondrial, जो mitochondria derive होता है respiratory chain से at low or moderate concentration, थोड़ा सा अगर कम मात्रा में रहे तो participate, वो participate करता है in physiological functions such as in the defense against infection, जो bacteria virus है या कुछ और toxin chemical है ये उनको खा के भी खत्म कर देते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा बनाए जाते हैं। तो एक मॉडरेट और लो लेवल तो अच्छा है, होना चाहिए, बहुत ज्यादा होगा तो दिक्कत है। बात समझ में आई, इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्वेश्चन आ सकता है क्या जो ऑक्सीडेंट होते हैं हमेशा ही घातक होते हैं? नहीं, लो लेवल में फायदेमंद है, हाई लेवल में दिक्कत वाली बात है। क्लियर है, आगे आते हैं। सेल्स हैव सेवरल मैकेनिज्म टू ट्रांसफॉर्म एंड एलिमिनेट आरओएस, सेल के पास बहुत सारे मैकेनिज्म है कि वो जो ये फ्री रेडिकल बन गए हैं यानी कि जिसको हम आरओएस बोल रहे हैं उसको ट्रांसफॉर्म बदल दे किसी अच्छी चीज में या निकाल दे टू अवॉइड देयर हार्मफुल इफेक्ट, जिससे कि सेल के ऊपर उसके हार्मफुल इफेक्ट ना पड़े। द सिनर्जिस्टिक एक्शन ऑफ बोथ एंटीऑक्सीडेंट प्रोटीन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रोटीन एक ही साथ है, ये जो एंटीऑक्सीडेंट प्रोटीन्स होती है एंड एंजाइम्स एंड एक्सोजीनस एंटीऑक्सीडेंट, एक्सोजीनस मतलब जो हमारी बॉडी में नहीं बन रही है, बॉडी में बनता तो यहां पर क्या होता है एंडोजीनस, एंडोजीनस का मतलब होता है जो हमारी बॉडी में बनते हैं, एक्सोजीनस मतलब बाहर से ले रहे हैं डाइट के तौर पे या मेडिसिन के तौर पे किसी भी तौर पे। न्यूट्रलाइज फ्री रेडिकल एंड मॉड्यूलेट सेल सिग्नलिंग, ये तीनों मिलकर के क्या करते हैं फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और सेल में जो सिग्नल सिस्टम है उसको मेंटेन रखेंगे, बरकरार रखेंगे। क्लियर है, तो सेल के पास कई सारे मैकेनिज्म है, ये सब जनरल बातें हो गई किसके बारे में, एंटीऑक्सीडेंट के बारे में। नाउ क्लासिफिकेशन करें, तो क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है, एंटीऑक्सीडेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री लाइंस, तीन तरीके से हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं, थ्री लाइंस ऑफ डिफेंस, ये तीन तरीके से जो इसका डिफेंस करने का तरीका है, जो इसका ऑक्सीडेंट को रोकने का तरीका है वो तीन तरीके से रोकता है, या फिर यूं कह लें कि सेल के डैमेज को तीन तरीके से रोकेगा, तीन तरीके से बचाएगा फ्री रेडिकल से। उसी हिसाब से हम लोगों ने इसके तीन डिवीजन कर दिए हैं, फर्स्ट लाइन डिफेंस, सेकंड लाइन डिफेंस और थर्ड लाइन डिफेंस। तो फर्स्ट लाइन में क्या है, इट इंक्लूड एंटीऑक्सीडेंट दैट प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू फ्री रेडिकल, नए फ्री रेडिकल बनने नहीं देगा, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सबसे अच्छी चीज है, बनने ना दे। दूसरा आगे पढ़ेंगे ही बताऊंगा मैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर कैप्चरिंग फ्री रेडिकल्स एंड दस दे प्रिवेंट द ऑक्सीडेटिव चेन रिएक्शन, जो बन गए हैं फ्री रेडिकल उनको पकड़ लेगा, भैया रुक जाओ सेल को डैमेज मत करो हमने तुम्हें पकड़ लिया, ठीक है कैप्चर कर लेगा। तीसरे में क्या है, ठीक है दैट रिपेयर द डैमेज, अब भाई डैमेज कर दिया है और जो डैमेज हो गया किसके द्वारा, फ्री रेडिकल के द्वारा बायोमॉलिक्यूल को, उसको रिपेयर करेगा, तो ये तो लास्ट वाला हो गया ना, डैमेज तोड़ फोड़ कर दिया अब तुम ठीक कर रहे हो, तो ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, सबसे बढ़िया होता है स्टार्टिंग में बनने ना दे। नीचे उसके एग्जांपल दे रखे हैं तीन, इनका डिफेंस मैकेनिज्म कहाँ कहाँ डिफेंस कर सकते हैं, कैसे कैसे, पैदा ही नहीं होने देगा, पैदा हो गया तो कैप्चर कर लेगा, कैप्चर नहीं कर पाया फाइनली तो उसने तोड़ फोड़ कर दी, तो अब थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या करेगा, वो जो चीजें खराब हो गई हैं उनको ठीक करने का कोशिश करेगा, कौन, एंटीऑक्सीडेंट। क्लियर है, तो आप फटाफट देख लें इसके एग्जांपल, इट इंक्लूड एंजाइम सच एज सुपरऑक्साइड डेस्म्यूटेज एसओडी कैटालेज सीएटी एंड ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज जीपीएक्स, प्रोटीन्स दैट बाइंड मेटल्स, ऐसे प्रोटीन जो मेटल से बंध जाते हैं सच एज फेरिटिन और सेरुलोप्लाज्मिन एंड मिनरल सच एज सेलेनियम कॉपर एंड जिंक। एग्जांपल सारे याद ना रखो, दो याद रखना, लकी का फकीर नहीं बनना है, ठीक है चीजें दिमाग में सेट हो गई है, तो ये एकदम लाइन लिखते चलो, ऐसा नहीं फर्स्ट लाइन डिफेंस में प्रिवेंट, सेकंड लाइन में कैप्चर, थर्ड लाइन में रिपेयर, ऐसे याद रखो,
अपनी लाइन खुद बना लो, लकी का फकीर नहीं बनना है, समझ रहे हो ना। अगर मेरे चैनल को देख रहे हो तो मैं कभी भी नहीं कहता कि जैसा मैंने लिखा वैसा करो, समझ लो मैं कोशिश करता हूं कि अच्छे से चीजें समझ में आ जाए, फिर मन से जो मन में जो आए वो करो, ठीक है ना। क्या पकड़ लिया, जो समझदार बच्चा होगा क्या पकड़ लेगा, अच्छा फर्स्ट लाइन में प्रिवेंट, कैप्चर, रिपेयर, दो एग्जांपल याद कर लेगा, एसोडिकेट, विटामिन सी, एल्ब्यूमिन, ऐसे दो एग्जांपल याद कर उसका। फिर उसमें मेन लाइन लिखने के बाद जब दो तीन लाइन तुम एक्स्ट्रा लिख दोगे ना तो टीचर को पता नहीं चलेगा, ठीक है। मेन दो तीन लाइनें अच्छे से लिख दो तो टीचर खुश हो जाता है। क्लियर है, आगे आते हैं। इसमें एग्जांपल, दिस ग्रुप इज फॉर्म्ड बाय ग्लूटाथायोन एंजाइम्स, एल्ब्यूमिन, विटामिन सी एंड ई, कैरोटीनॉइड्स एंड फ्लेविनॉइड्स, ठीक है। इट इंक्लूड एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स दैट रिपेयर द डैमेज, ठीक है। तो हो गया, फॉर एग्जांपल लाइपेज, प्रोटीएज, डीएनए रिपेयर एंजाइम, ट्रांसफरेसेस एंड मेथियोनाइन सल्फोक्साइड एंड रिडक्टेजेस, मोस्ट एक्सोजिनस, फिर आगे एक्सोजिनस जो बॉडीज के अंदर नहीं बन रहे बाहर से बन रहे हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स आर प्रोड्यूस बाय वेजिटेबल्स, खा रहे हैं हम लोग, वेजिटेबल के द्वारा बनाए जाते हैं, देयरफॉर दे आर ऑफन कॉल्ड फाइटोकेमिकल्स, ठीक है। तो फाइटोकेमिकल एक अलग ही टॉपिक आएगा बाद में, उसको भी पढ़ेंगे। तो प्लांट के द्वारा केमिकल बनाए जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइटोकेमिकल्स। क्लियर है, तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्लियर हो गई। चले ऐसे क्लासिफाई कर दो, एंजाइमेटिक और नॉन एंजाइमेटिक, ऐसे भी क्लासिफिकेशन हो सकता है, ज्यादातर क्लासिफिकेशन तुम लोगों को ऐसा मिलेगा, वैसा भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये तो मेरे ख्याल से पता ही होगा सब लोगों को, रटना है इसमें एंजाइमेटिक नॉन एंजाइमेटिक, प्राइमरी एंजाइम। सबसे पहले मैंने क्या बताया, ढांचा याद करोगे, एंजाइमेटिक नॉन एंजाइमेटिक, प्राइमरी सेकेंडरी, यहां आ जाओगे मिनरल, विटामिन, कैरोटीनॉइड, ऑर्गेनोसल्फर, लो मॉलिक्यूलर वेट और एंटीऑक्सीडेंट, खत्म कहानी। नीचे आ गया पॉलीफिनॉल, फ्लेविनॉइड्स, फिनोलिक एसिड, फ्लेविनॉइड्स में फ्लेविनॉल्स, फ्लेवोनॉल्स, फ्लेवेनॉल्स, आइसोफ्लेविनॉइड्स, एंथोसाइनिडिन्स, फ्लेवेनॉन्स और फ्लेवेन्स। और फिनोलिक एसिड में कौन आएगा, हाइड्रोक्सी सिनामिक एसिड, हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब एग्जाम्पल बाद में याद करोगे, एग्जाम्पल एकदम से याद करने मत बैठ जाना, बात समझ में आ रही कि अरे इसका भी एग्जाम्पल याद करना है, कुछ नहीं तो सबसे पहले याद ही करना है तो सबसे पहले एक एक एग्जाम्पल याद कर लेना, एक एक, बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ठीक है ना। एकदम से याद करने मत बैठ जाना, अच्छा आज एंजाइमेटिक वाले कर लिए, नॉन एंजाइमेटिक के ऊपर के छह याद हो गए, फिर पॉलीफिनॉल तीसरे दिन ये याद कर लिया, तरीका होता है, देखो मैं फिर बता रहा हूं, हर एक चीज का, कोई चीज टफ नहीं होती है, क्लियर। अच्छा ये खत्म है क्या, है इसके नीचे अभी। सोर्स, सोर्स की बात करें अगर हम लोग, तो कहां से हमको मिल रहा है, जैसे एलियम सल्फर कंपाउंड, लीक्स, ऑनियन एंड गार्लिक, एंथोसाइनिन, एग प्लांट, ग्रेप्स एंड बेरीज, बीटा कैरोटीन, पंपकिन, मैंगोस, एप्रिकोट, कैचिन, रेड वाइन एंड टी। अब तुम लोगों को क्या करना है, सोर्स जैसे है छह सात याद कर लोगे, जैसे फ्लेवोनॉइड वाला है, अब कौन से लोगे, अनियन तुमको पता है, गार्लिक पता, लीक नहीं पता छोड़ दो, लकी का फकीर नहीं बनना। एंथोसाइनिन में ग्रेप अंगूर पता है, बेरीज बेर पता है, बीटा कैरोटीन पंपकिन पता है, मैंगो पता है, बहुत अच्छी बात, कैरेट पता है तुमको, स्पिनेक पता है, जो चीज पता है उसको ही याद करना है, बात समझ में आ रही है, जो चीज पता है उसको ही याद करोगे तो ज्यादा जल्दी याद होगा। अब इसमें काफी सारे सोर्सेज, मतलब चीजें, विटामिन ए सी और सबके सोर्स दे रखे हैं, तो ये तुम लोग क्या कर लोगे, जितना मैक्सिमम हो पाएगा याद कर लोगे, और कम से कम पांच मिनिमम तो याद कर ही लेना, देखो है ना। और जो लोग ज्यादा पढ़ने की क्षमता रखते हैं, अब जैसे विटामिन ए सी ई जिंक, ठीक है ना, अब इसमें जितने डिस्कस हो गए एटलीस्ट, अब देखो यहाँ पे जेंसिन, साइनेडीन है ना, फेरुलिक एसिड, ये सब यहाँ, सेलेनियम, विटामिन ए सी, ये सब डिस्कस हुए ना यहाँ पे, एलियम, ये रहा एलियम, तो इनके सोर्स हैं, ये सोर्स याद कर लो, अच्छी बात है। या यहीं पर ही काम कर, क्या कर सकते हो, जिंक है यहीं पर, इसका लिख लिया एक सोर्स, इसका यहाँ लिख लिया एक सोर्स, बात समझ में आ रही है, नीचे से देखा इसका सोर्स यहीं लिख लिया, इसको एक एक सोर्स लिखते चलो सबका, एक एक सोर्स सबका लिखते चलो, याद हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। याद करने के तरीके हैं, करना चाहोगे तो, वरना पांच छह तो याद कर ही लेना कम से कम, सोर्स 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 हो गया हमारे पास। नेक्स्ट आते हैं हम लोग थ्योरेटिक एप्लीकेशन, इसमें तो तुम कुछ भी लिख दो, ये तो मैंने जस्ट एक दे दिया यहां पर, फ्री हो तुम, कैसे कुछ भी लिख दो इसमें, हार्ट प्रॉब्लम, एजिंग है ना, बुढ़ापा कम करता है, डायबिटीज, जो बीमारी है, कैंसर, न्यूरोडिजेनरेटिव स्ट्रेस, अदर आई रिलेटेड डिसऑर्डर, अस्थमा, पोस्ट मीनोपॉज इन्फेक्शन एंड सो फॉर रिडक्टेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, दुनिया भर का जो भी तुम्हें बीमारी याद आ जाए सब लिख सकते हो। एंटीऑक्सीडेंट लगभग लगभग सब में हेल्प करता है, कार्डियोवास्कुलर है ना, रिड्यूस द साइज ऑफ एथेरो
मेटस लेसन, इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन, डिक्रीज एलडीएल ऑक्सीडेशन, प्रिवेंट डीएनए डैमेज, एंड कैंसर में क्या करता है, कैंसर डीएनए के डैमेज की वजह से होता है ना तो उसको रोकता है ये। तो इसमें क्या है, तुम कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैं बता रहा हूँ इसमें कोई भी डिजीज उठा के लिख दोगे सब चल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। एजिंग में स्किन को प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कॉज्ड बाय यूवी रेडिएशन। ऑब्वियस बात है, धूप में जाते हैं स्किन मुरझाने लगती है, तो क्या है यूवी रेडिएशन के, उसको यूवी रेडिएशन के एक्शन को रोकेगा। क्लियर है बातें, तो बस यही तो था। और ये हमारे पास लेक्चर हमारा आई थिंक खत्म हो गया है अब, ये थेरेपेटिक एप्लीकेशन 6। ओके, तो ये था हमारे पास छोटा सा सिंपल सा लेक्चर एंटीऑक्सीडेंट। मैंने फिर कहा चीजों को समझना है, ठीक है, बिल्कुल लकी का फकीर बनते हुए नहीं पढ़ना है कि बिल्कुल रटते ही चले जाओ, कुछ चीजों को समझ लो कि अच्छा ये चीज है, थोड़ा सा फिर खुद से बना के उसे लिख देना है। क्लियर है, बात समझ में आ गई है। ओके, तो क्या करना है, रिवाइज करना है, क्या करना है, रिवाइज 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 और रिविजन। ओके, ऑल द बेस्ट।